फैमिली गुड मॉर्निंग, नया दिन नई शुरुआत और आपके साथ। आज सुबह सुबह का मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, मस्त मज़ेदार। चलते हैं धीरे धीरे बस स्टॉप पे, मिलते हैं आपसे चलते चलते। आज हम बस से जल्दी पहुँचे हैं, यहाँ पे आरती चल रही है सामने, आरती अटेंड करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कर गाधि कल कर दुंजन मन जान गावत मिलत सोवत सहत सुंदर सावरु मही प्राणिधान सुजान रावत रावरु एहि भाति गोरी असीस हर से हलि महि भवानी पूंज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चलि प्रिय अनुकूल आय गई मंगल मंगल मूलम अंग भर कर मौज मदी हरी नहीं तो तुम समान नगरी हसन चारा हरो गड़ी तुलसी कर दाम लूट सके तो लूट काल पछताएगा मान जाएंगे छूट तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्यादृढ़ तमेव तमेव सर्वं मम देव देव एव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंप दिए क्या लागे मोर रामचंद्र की जय बोले गणपति भगवान की जय 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 हो दासो भगवान हो कल्याण हो पार्वती पते हर हर चालीसा खत्म कर ली मंदिर में, मस्त मजा आया। आज अब खाते हैं प्रसाद। फाइनली हमारी बस आ चुकी है, अब हम जाएंगे बस में, बस पलटा है उसके बाद चलते हैं बस के अंदर। बस में चले परमानेंट बस स्टॉप पे, बस का वेट कर रहे हैं। बस कब आएगी कब नहीं हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। फाइनली हमारी बस आ चुकी है, आज तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई है। आ जाइए 8:48 पे, 8:20 का टाइम था। आप देखो कॉलेज कब तक पहुँचता है। साढ़े चार बज गए, 5 बजने वाले को सब जा रहे हैं। हमारे सब ये हमारे मित्रजन, ये सखी हमारी भाग रही है सखी। और हमारे साथ रोहित जी। आप रोहित जी कुछ कहना चाहते हो? रोहित जी कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं। अरे यार कुछ तो बोलियो। ये हमको सलाम ठोकते हुए ये जितेंद्र पटेल। गाइस अभी अंधेरा हो गया था। हाँ परमार साहब। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो गाइस, इनका माइक अटक चुका है। हेलो 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 हेलो। तो गाइस, मैं इसका माइक चालू करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इसका माइक चालू करता हूं। ये जो है अपना, क्या बोलते हैं दीपक सर, ये जो अपना क्या बोलूं मैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चेक, क्या बोलूं। हेलो हेलो हेलो। हमारे कॉलेज की हुई छुट्टी और हम खड़े बस स्टॉप पे। मेरी किसी भी बात का, अगर किसी भी बात का या फिर किसी भी चीज़ का अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर कुछ कहना चाहता हूँ, सामने है ना देखो अपना दोस्त है ना दीपक, उधर बैठा हुआ है अंडे की दुकान पे, क्या पता उसको शायद भूख लगी हो। ये तो देखो वो बेटा कालीशरण है, तो क्या पता उसको अगर भूख लगी हो तो हमें कुछ नहीं पता। तो आज हम उसको है ना 5 रुपये देंगे और उसकी खुशी हम इस कैमरे में कैद करेंगे। और आपका रिएक्शन देखना कि कैसे क्या रिएक्शन होते हैं, ठीक है। देखना 5 रुपये में कितना खुश हुआ हूँ। कैमरे पे लेके जाते हैं 5 रुपये। ये देखो, हमने दीपक को 5 रुपये दे दिए हैं, हम इससे बात नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे पैसे, क्योंकि हम वापस नहीं मांगेंगे। दे दिया, अब वो उसकी मर्जी, जो भी खाया खाएगा। तो हमने अपना इंसानियत दिखा दी, एक भूखे को खाना खिला दिया। चल झूठा। और आप भी गाइस ऐसे इंसानों का भलाई करें और देश को आगे बढ़ाएं। और भाई ये मैंने छुड़ाया नहीं 5 का, ये मेरा ही 5 का था, मैंने जेब में डाला। भाई दूसरा 5 का था, वो वाला था, ये दूसरा था, ठीक है। तो ये गलत फहमी में बिल्कुल मैंने 5 का, ठीक है। क्या दीपक, आपको 5 रुपये मिले थे, ले लिया वापिस? वो तो अभी किसने लिया? वो भैया ने, वो पहले सीटर वाले ने लिया वापिस पैसे। क्या बात कर रहे, 5 रुपये आपके साथ इंसाफ हुआ है क्यों? आप कुछ बोलना चाहते हो सर? क्या आप सब देख सकते हो अभी भी इनके वार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इनका हलो हलो ही चल रहा है। और बाकी हमारे साइड में अभी कोई भी नहीं है, जो दो व्यक्ति थे छूट चुके हैं फ्लाइट, उनकी फ्लाइट छूट चुकी है किसी कारणवश। हलो हलो हलो, चलो से चलो, हलो हलो चलो, हलो 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 हलो, चलो से चलो। सो गाइस, हमने आज का जो हमारा काम था कॉलेज का महाविद्यालय को हमने कर लिया है। अब हम हमारे प्रस्थान कर रहे हैं, निवास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी को आज हमारे पूरे जो जर्नी घर तक की वो घुमाऊंगे। तो इस ब्लॉग में अंत तक बने रहें और साथ ही साथ कहीं आपको आज नए नए दृश्य देखने को मिलेंगे। तो आप सभी का मैं इस ब्लॉग में, आप जुड़े ऑनलाइन जुड़े और जो बाद में देखने वाले व्यूअर्स, सबका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सो अब हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और हमने जर्नी को आपके लिए स्टार्ट करते हैं। हमारे बस भी अभी स्टार्ट हो गई है, आप देख रहे होंगे जैसे हमारे यहाँ से चलना स्टार्ट होगा ये। तो मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं दीपक वर्मा। आज आप सभी के साथ में अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स साझा करने जा रहा हूँ। बेरोजगार की कमियाँ हो रही है कहीं ना कहीं, रोजगार चाहे वो आप डांसिंग में हो, लिपसिंग में हो, किसी भी फील्ड में आप देख सकते हो, में बजा सकते हो या हमारे से ब्लॉग बना सकते हो। हर चीज़ में अर्निंग है, हर चीज़ में एक तरफ से स्कोप से मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। वही मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, आप देखें खासकर अभी हमें मैं अभी आ रहा है कि लेक्चर था मेरा, वहाँ मीटिंग से आ रहा था, वहाँ पर मैं बताया गया है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए डालें, उसमें नई से नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिली है। आजकल सरकार ने बहुत कुछ फ्री कर दी है, आप इंटरनेट का यूज़ करें, उसमें काफ़ी सीखने को मिलेगी और सिखाने को मिलेगी, जिससे क्या होगा नॉलेज डबल होगा। आप प्लस आपका रिविजन होगा, दो बंदे नहीं सीखेंगे, इसी का चेन बन जाएगी, वो चेन बनने में देश विदेश सुनने की क्या बनने में सही बात टाइम ही लगेगा। तो इस चीज़ ध्यान रखें विशेष करके, पर इसका गलत फ़ायदा भी ना उठाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही आपने, बहुत अच्छा प्रश्न अच्छा पूछते हैं जी। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, गलत मिसयूज ना करें। आज कहीं ना कहीं देख रहे हो कि बच्चों की जो सोने की क्षमता आती है, और रात को 2-3 बजे सोते हैं, मोबाइल चलाते हैं। मैं पूछना था करते क्या है इतने के लोग, आप लिमिटेड मोबाइल का यूज़ करें, ज़्यादा मोबाइल का यूज करना भी अननेसेसरी बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है हमारे लिए, आँखों के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बचपन से लोगों को चश्मे लग जाते हैं। अब कुछ लोगों की गलत धारणा है कि चश्मे वाले पढ़े लिखे होते हैं, तो भैया फिर जो पुराने जो पहले लोग थे जिन्होंने चश्मे थे वो क्या अनपढ़ थे क्या? उन्होंने तो कुछ ना कुछ करा ना, सही बात। तो आज जो बहुत बड़े जो भ्रम फैला हुआ है बच्चों को, चश्मे वाले पढ़े लिखे होते हैं, चश्मे वाले सिर्फ दिखावा करते हैं।
अच्छा हमको सिखा रहा है। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली कुछ लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि दीपक ने बोला था कि जो आपको सुविधाएं दी जा रही है उसका गलत फायदा ना उठाए, उसका ही एक लाइव एग्जाम्पल हम आपको यहीं पे दे सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो सीट है जो ये फटी हुई है, सरकार ने इतनी अच्छी बस बनाई है, आपको इतनी अच्छी सुविधाएं दी है, आप उसको नुकसान क्यों कर रहे हो? इसके बारे में आप दीपक कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भैया, अच्छा ना कर सको तो बुरा कभी मत करो। जी बिल्कुल सही बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये संपत्ति जो देश में आज है हमारे पैसे कहीं ना कहीं हम टैक्स कहीं ना कहीं अपना ही टैक्स। तो मैं सबरे व्यूअर से कहना चाहूँगा कि प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन, बुरा ना कर सके सॉरी अच्छा ना कर सके तो बुरा ना करें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक न्यू धर के आज हमारे देश ने इतनी प्रगति करी है। आपको बता सकता हूँ कि हम कई साल तक हम गुलामी रहने की आदत हो गई, हम गुलाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो देव फिर भी ना दौड़े, क्योंकि आज हमें विश्व के अभी जो पोषण माह चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान से पीछे छोड़ गए थे, खासकर पोषण माह के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं तो इसका कहना चाहूँगा आपको स्पेशली आखिर क्योंकि साफ़ सफाई रखें और चीज़ों को नुकसान ना करें, कहीं ना कहीं उन्हें बचा कर रखें, क्योंकि ये बार बार आने वाली संपत्ति है, ऐसा नहीं भविष्य में ही काम आएगा। जी जी बताऊँ कैसे क्या हम स्टेप बाई स्टेप करते हैं, हमारी जो दिनचर्या होती है कैसे क्या हम एडिटिंग करते हैं वीडियो को, हमारे जो बहुत जरूरी है लोगों को लाखों व्यूअर्स हैं उनके पास हमारे वीडियो कैसे पहुँचते हैं, उनको कैसे नोटिफिकेशन मिलते हैं, जितने भी नए जो बच्चा बनाने का सोच रहे हैं वीडियो में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपने ब्लॉग के दौरान, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहें, आपको बहुत बेनिफिट इस चीज़ से सीखने को मिलेगा। सो लेट गेट स्टार्ट, गो, चलिए शुरू करते हैं। हाँ दीपक आप कुछ कहना चाहते थे? जी आ गए एक बार सभी लोग। जी जी सब आ गए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्लॉगिंग का। जी जी तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो सबसे पहले मैं दो चीज़ का कॉन्सेप्ट में पिछली क्लास में सिखाया हूँ, इस क्लास में सिखा रहा हूँ, आने वाली क्लास में सिखाऊँ और अभी सिखा रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ है शर्म, दूसरी है बेइज्जती। शर्म और बेइज्जती अपनी डिस्टेंस से निकाल दो, क्योंकि हम ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट करने वाले हैं और हमने अगर शर्म और बेइज्जती करी तो हमारा ब्लॉग कभी नहीं बनने वाला। हमें जनता के बीच में रिपोर्टिंग करनी है, ग्राउंड लेवल पर रिकॉर्डिंग करनी है, और ओरिजिनल चीज़ अगर आपको देश को दिखाना है ग्राउंड लेवल से तो उसका कहीं ना कहीं हमें शर्म और बेइज्जती छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये कभी भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहो तो ये मत सोचो आज करूँगा कल करो, बस उठाओ कैमरा और शुरू हो जाओ, और शुरू भी वहाँ हो जहाँ भीड़ हो, जहाँ क्राउड हो। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तब मैंने अकेले ने मोबाइल उठा के बस में स्टार्ट करा था, काफ़ी लोग मुझे देख के हंस रहे थे, लेकिन क्या कर रहा है प्रतिदिन ये काम करता रहा तो बाद में लोगों ने बोलते रहे, और मैं क्या मैं करोड़ों के बीच में जाकर मोबाइल निकाल लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमें कोई शर्म नहीं, वो कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमने कौन जानता है, मेरे को जानता कौन है, आप व्यूवर जानते हो, अपने भाई बहन जब बने हुए जोड़ते हो, बाकी जब बना रहे हैं उस टाइम कोई नहीं पहचानता, क्योंकि उस टाइम मैं मास्क लगा के कभी कभी कवर कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं करता। सबसे पहले आपको अपना एक कम लैपटॉप लेना है, क्योंकि खासकर लैपटॉप वो होता है जिसमें हमें एडिटिंग करने के लिए काफ़ी हमें इंस्ट्रूमेंट मिल सकता है। आप लैपटॉप नहीं ले सकते तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि आप लैपटॉप में ही एडिटिंग करो। मैं खुद मैं फ़ोन में एडिटिंग करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको लैपटॉप से ही करना है ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि को हमें इफेक्टिव बनाना, ना कि कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि आजकल आप देखिए लाखों करोड़ों पड़े लेकिन इफेक्टिव होगा अपना अलग से अलग, जब जनता में प्रभाव डाल सके ऐसा कंटेंट बनाना, तो कंटेंट इज द पावर, विदाउट कंटेंट कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कंटेंट जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा आपका ब्लॉग स्टार्ट होगा। सही बात, तो उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें इफेक्टिव दिखाना अपने लोगों को और अट्रैक्टिव करना अपने ब्लॉग के साइड, और कोई ना कोई और कोई ना कोई मैसेज आपके ब्लॉग में जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। हाँ जैसे अभी हर एक चीज़ में, क्योंकि आजकल तो मतलब इतना पिछड़े हुए अपन काफ़ी, मतलब जैसे यूट्यूब पे देखो आजकल जो काम की चीज़ें स्टूडेंट वो नहीं देख रहा, जनता वो नहीं देख रही है, ज़्यादा देख रही जा रही है, और वो चीज़ ट्रेंड में आ रही है, सोचो ना अब क्या ही बोले। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप औरों से अलग बनना, भेड़ चाल कभी मत चलना। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट एक उदाहरण के सामने समझाना चाहता हूँ, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का कारण बनो, मतलब भेड़ चाल मत चलो, भेड़ में सब चलते हैं लेकिन भेड़ चाल करने का जो कारण होता है, जैसे उदाहरण के मानते हो पॉलिटिशियंस आ रहा है तो अपन भीड़ लगा लेते हैं तो अपन क्या भेड़ चाल चल रहे हैं, लेकिन अपन अगर पॉलिटिशियन बन गए अपने लिए अगर भीड़ लग रही है तो अपने को अपने बनना है, अपने लिए मतलब भीड़ लग रही है वो बनना है, भेड़ चाल बहुत सही बोली आपने। बाकी मैं सराहना करता हूं, सबसे बोलना चाहता हूं मैं, मतलब देश गरीब नहीं है, यहाँ के लोगों को खर्च करना नहीं पता पैसा, यहाँ की मानसिकता गरीब है, सीधी सी बात है, यहाँ की मानसिकता सोच गलत, सही तरीके से अगर बजट बना के अगर लोग खर्च करें तो हमारा देश फिर से कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया बन जाए, वो दूसरी तरीके जो सही से अगर टैक्स क्लियर करता है ना, तो कहीं ना कहीं देश में इतना पैसा आज अगर शिक्षा अभियान ऐसा हर एक आदमी टैक्स क्लियर करना चाहे तो मतलब फिर से सोने की चिड़िया बनने में कोई वो दिन दूर नहीं,
जिस दिन को आम आदमी फ्लाइट से उड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको ज़्यादा वक्त न ले सकते हुए, हमारे काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। शॉर्ट में सबको बताना चाहता हूँ कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें। जी, लोग एक खराब होगा दूसरा खराब होगा, लेकिन बना जरूर। हारा तो वो जिसने कोशिश ना करी है। आप स्टार्ट करें, निरंतर एक ना एक दिन आप सफल होंगे। वो जिसने कोशिश करी वो सफल हुआ है, डेफिनेटली आप मेरा आशीर्वाद है। और कोई भी आपको जानकारी देगी तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका हो सके तो पूरा सा पूरा आपको रिप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल, वो हो सकता है हम कॉन्टेक्ट करके पर्सनली आपको सजेस्ट करेंगे कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हम हमारी बस में वापस आ चुके हैं। ये बस एसी के नीचे मस्त हवा खाते हुए अब घर जाते हैं। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know, it's time for me. जैसा कि आपको पता चली गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो फटाफट जाते हैं और आपसे मिलते हैं। हाँ, और हमारे साथ में आज एक नया शख्स जुड़ चुका है जिसका नाम है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? अनुष्का। ये बात, चलो मिलते हैं आपसे के बाद। हमारी कोचिंग खत्म हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं घर। अब हम ब्लॉग को एंड करने वाले हैं। दो दिन छुट्टी है कोचिंग की। चालू कब किया वे? भाई चालू हो चुका है। तो दो सेकेंड करते छोटा ब्लॉग में। अल्पेश कुछ कहना चाहता है? भाई गुड नाइट कहना चाहूँगा आज तो मैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, आप बोल सकते हो। ये निवेदन है कि भैया वैक्सीन का सेकंड डोज आपसे दो दिन के बाद, दो दिन के अंतराल वापस बोलो, अंतराल के बाद वापस बोलो। अभी से निवेदन है कि अल्पेश जी के सेंटर पे जाके वैक्सीन लगवाए, उनको जल्दी फ्री करें। सभी लोग 100% दोनों डोज लगा ले। 50% तो लग गया होगा, जब बाकी बचा 50% डोज लगवा ले, लगवा ले। नहीं तो अल्पेश घर घर आके लगवा के जाएगा। जी, कॉन्टेक्ट टू मी, कॉन्टेक्ट टू हर। दिस इज अल्पेश, दिस इज अनुष, और दिस इज दिस, समझ रहे हो?